हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RMC Academy पर। मैं आपके एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको लेटर ऑड वन आउट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने ऑड वन आउट में क्या क्या पढ़ लिया है, वर्ड्स का पढ़ लिया ऑड वन आउट, नंबर्स का पढ़ लिया, अब ये लास्ट बचा है लेटर्स का। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास के बाद आपका ऑड वन आउट खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से तैयार कर लेना, कम से कम 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आता है इन सब से, है ना। वर्ड्स ऑड वन आउट, नंबर, लेटर्स ऑड वन आउट, ठीक है ना, ये सारे ऑड वन आउट अच्छे से तैयार कर लेना। चलो देखते हैं कि इसमें क्या है ना। तो आपको इसमें भी दिख रहे होंगे, हर क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ अलग होंगे, देखते हैं क्या और कैसे अलग होंगे। देखो, आपको बस ABCD पढ़नी है, हर क्वेश्चन में आपको ABCD पढ़नी है, देखते हैं कैसे। लिखा है बी, फिर बी के बाद देखो क्या आता है, सी आता है, डी आता है, फिर आता है ई। तो आपको ये गौर करना है, बी के बाद देखो आपने सी पढ़ा, फिर डी पढ़ा, फिर ई आया, फिर ई के बाद आप एफ पढ़ोगे, जी पढ़ोगे, फिर एच आएगा। आप समझ रहे होगे, बी के बाद सी छोड़ा, डी छोड़ा, फिर ई आया, ठीक है ना, इधर से फिर इधर किनारे आ गए, फिर ई के बाद एफ छोड़ा, जी छोड़ा, एच आ गया। आप समझ पा रहे होगे, बी से दो छोड़ा है, फिर ई आ गया, फिर ई से दो छोड़ा है, एच आ गया, एक पैटर्न मिला। आगे देखते हैं, फॉलो हो रहा क्या। डी के बाद ई छोड़ा होगा, एफ छोड़ा होगा, फिर जी आना चाहिए, आया है, फिर जी के बाद एच छोड़ा होगा, आई छोड़ा होगा, जे आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा, और जो पैटर्न ये फॉलो कर रहा है वही ये भी फॉलो कर रहा है। इसको देखते हैं कि एस के बाद देखो टी आता है, यू आता है, फिर वी आता है, फॉलो हो रहा है, फिर वी के बाद डब्ल्यू आता है, एक्स आता है, फिर वाई आ रहा है, यहां भी फॉलो हो रहा है। मतलब आपको यहां से पहले यहां जाना है दो छोड़कर, दो अल्फाबेट छोड़कर, फिर इधर से इधर आना है बीच में दो अल्फाबेट छोड़कर, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो तीनों में फॉलो हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो यही होगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा। देखो पी के बाद क्या छोड़ेगा, क्यू छोड़ेगा, आर छोड़ेगा, एस आना चाहिए, आ रहा है, लेकिन एस के बाद बेटा टी छोड़ना चाहिए, यू छोड़ना चाहिए, यू के बाद वी आता है, लेकिन यहां वी नहीं है, यू लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि इसने एस के बाद यू में आने के लिए सिर्फ एक लेटर छोड़ा है, जबकि छोड़ना कितना चाहिए था, दो, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो आगे हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इवन इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ए के बाद बी आता है, देखो ए के बाद बी कंटिन्यू आता है, फिर बी के बाद ई नहीं आता है, बी के बाद बेटा क्या सी आता है, डी आता है, फिर ई आ रहा है, मतलब ए से बी कंटिन्यू जाना है, फिर दो लेटर छोड़ के इसमें आना है, यही काम उसमें भी होना चाहिए। देखो टी के बाद यू तुरंत आ रहा है, लेकिन यू के बाद वी छूटेगा, डब्ल्यू छूटेगा, फिर एक्स आ रहा है, ठीक है, यहां भी दो छूटा, यहां भी दो छूटा, पी के बाद क्यू, ठीक है, फिर क्यू के बाद आर छोड़ना चाहिए, एस छोड़ना चाहिए, फिर टी आना चाहिए, कर रहा है फॉलो बेटा, तो नॉर्मल सी बात है आंसर हो जाएगा ये, बट वी विल हैव टू चेक। अब देख लो तुम खुद, ई के बाद देखो यहां में ए के बाद बी आया, टी के बाद यू, पी के बाद क्यू, यहां ई के बाद एफ आना चाहिए, लेकिन ई के बाद ई ही लिखा है, मतलब अलग क्या हो गया, ये हो गया। लेटर ऑड वन आउट में भी यही काम करना होता है, चार ऑप्शंस में से बेटा तीन ऑप्शन क्या होंगे आपके, सेम प्रॉपर्टी के होंगे, कोई ना कोई उसमें रिलेशन होगा, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो उस रिलेशन से, उस प्रॉपर्टी से बिलोंग नहीं करेगा, अलग होगा, उस ग्रुप से नहीं होगा, वो होगा आपका लेटर ऑड वन आउट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास, जैसे कि ये क्लास बेटा कोई नया बच्चा देखता है जो कि मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखा है, वर्ड्स ऑड वन आउट की या नंबर ऑड वन आउट की, तो इसके साथ साथ उनको भी वो देख लेगा तो वो समझ जाएगा। ठीक है ना, फिर तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं, देखिए देखिए वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, देखिए इसकी यहां से ये कंटिन्यू आता है, बट डब्ल्यू के बाद वाई नहीं आता, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, फिर वाई आता है, मतलब वी के बाद डब्ल्यू कंटिन्यू आया, फिर एक लेटर छोड़ा, फिर वाई आया,
इधर देखिए, क्यू के बाद आर आता है तुरंत, फिर एक लेटर छोड़ता है एस, फिर आता है टी, ये भी ठीक है। एल के बाद एम तुरंत आता है, फिर एक लेटर छोड़ता है एन, फिर आता है ओ, ये भी ठीक है। तो देखो ए बी सी में तीनों में ये फॉलो हो रहा है कि पहले एक लेटर कंटिन्यू लिखना है, फिर उसके बाद एक लेटर छोड़ के दूसरा लेटर लिखना है। लेकिन इसमें देखो क्या है, जे के एल, देखो जे के बाद के तो ठीक है, फिर उस के बाद एक लेटर छोड़ना चाहिए था, एल छोड़ता एम लिखता तो सही होता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी के बाद क्या है, सी आता है, डी आता है, फिर ई आता है, ठीक है ना, दो छोड़कर ई आता है, फिर ई के बाद एफ छोड़ेगा, जी छोड़ेगा, एच आएगा, मतलब यहां से यहां गया तो भी दो छोड़ा, यहां से यहां गया तो भी दो छोड़ा, इन सब में भी दो दो छोड़ना चाहिए। डी के बाद देखो ई आएगा, एफ आएगा, फिर जी, ठीक है, जी के बाद एच आई, फिर जे, ये भी ठीक है बेटा, दो दो छोड़ रहा है। सी के बाद डी और ई छोड़ के एफ आना चाहिए, आ रहा है। एफ के बाद जी और एच छोड़ना चाहिए, आई आना चाहिए, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये, श्योर है इसमें वो फॉलो नहीं हो रहा होगा। ई के बाद देखो एफ आता है, जी आता है, एच, ठीक है, फिर एच के बाद आई आता है, जे आता है, के आना चाहिए ना, इसने एल लिख दिया है, इसलिए गलत क्या है हमारा, ये मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये है ना। तो यहां पे हमने देखे इधर चार क्वेश्चंस तीन तीन लेटर्स के, यहां पे देखने वाले हैं कुछ जिनमें दो दो लेटर्स हैं, ये इससे तो इजी ही होंगे, ठीक है, लेकिन आते एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। देखो डी के बाद ई तुरंत आ गया, पी के बाद क्यू, मींस कंटिन्यू लेटर्स लिखने हैं, टी के बाद यू आता है, लेकिन एम के बाद क्या आता है, एन आता है ना आंसर, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट देखो, डब्ल्यू के बाद एक्स उल्टा आ रहा है यहां पे, डब्ल्यू के बाद एक्स उल्टा और कंटिन्यू, एल के बाद एम, ओ के बाद पी, लेकिन जी के बाद एच आता है। देखो यहां पे इधर से इधर गया है, इधर से इधर गया है, ठीक है, इधर से इधर गया है, लेकिन यहां ए बी सी डी ई एफ जी, यहां पे इधर से इधर चला गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये सेम प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, अलग नहीं। देखो बी के बाद सी होता है, फिर डी आता है, मतलब एक छोड़ रहा है, एम के बाद एन आता है, ओ आता है, फिर पी आता है, यहां दो छोड़ रहा है। अभी कुछ समझ में नहीं आया, यहां पे एक लेटर छोड़ रहा है, यहां पे दो लेटर छोड़ रहा है, तो अभी कुछ नहीं क्लियर कह सकते, आगे देखना पड़ेगा। एन के बाद ओ आता है, पी आता है, फिर क्यू आता है, देखो इसमें भी दो छोड़ रहा, इसमें भी दो छोड़ा, इसमें एक छोड़ा, एच के बाद आई, जे, दो लेटर आएंगे, फिर के आएगा, मतलब यहां भी दो छोड़ा, यहां भी दो, यहां भी दो, यहां एक, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन, अभी मैंने एक क्लास बनाई थी बेटा जिसमें अपोजिट्स याद कराए थे आपको लेटर्स के और प्लेस वैल्यूज, ये क्वेश्चन उसी में से है, अपोजिट्स में से है ना बेटा। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं अपोजिट्स एंड प्लेस वैल्यूज, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आगे कई चैप्टर्स में काम आएगा, तो उनको तैयार कर लेना आप। देखो जिन बच्चों को याद होगा अपोजिट्स तो ठीक है, वरना इस क्वेश्चन के लिए बच्चे एक काम करेंगे, मेरी इंटेलिजेंस टेस्ट की आई थिंक एक दो, हाँ डे फोर की क्लास वो देख लेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट की डे फोर है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट की डे फोर क्लास, उसमें मैंने प्लेस वैल्यू और अपोजिट्स याद कराए हैं, तो वो समझ जाएंगे है ना। तो देखिए कल हमने पढ़ा था पी के, ये दोनों जो अल्फाबेट है आपस में क्या है, अपोजिट है, के का अपोजिट पी है, पी का अपोजिट के है, एम का अपोजिट एन होता है पढ़ा था, जी का अपोजिट टी पढ़ा था, ये एच आर नहीं होता, एच एस होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे एच आर, ठीक है। फिर देखो बी सी डी कंटिन्यू लिखा है, के एल एम कंटिन्यू लिखा है, देखो यहां पे कंटिन्यू इस तरफ से ऐसे गया, यहां पे भी ऐसे से ऐसे गया, यहां पे ऐसे से ऐसे जा रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकते, आगे देखो यहां तो कंटिन्यू है ही नहीं, आगे पीछे लिखा हुआ है, पी के बाद क्यू आता है, क्यू नहीं है, आर है, फिर एन है, मींस आंसर क्या होगा ये। अब देखो क्यू, देखो अब आप कहोगे कि ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, मींस ये इधर से बी सी डी के एल एम और यहां उल्टा हो रहा है, लेकिन
इन तीनों ऑप्शन में एक चीज तो कॉमन है ना, तीनों लेटर्स कंटिन्यू लिखे हैं, आप इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, लेकिन इसमें तो लेटर्स कंटिन्यू है ही नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये 9 क्वेश्चंस अच्छे से रेडी हो गए होंगे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, 5 क्वेश्चंस मैंने और लिखे हैं आपके लिए। देखिए इसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने सी डी एल सी एच एक्स डी ई टी ए बी डी। समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो ये क्वेश्चन बेटा अच्छे लेवल का है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है ना। चलिए देखो बेटा, इसमें कुछ वैसा फॉलो नहीं होगा, ए के बाद बी आया, फिर यहां एक छोड़ा टी आ गया, लेकिन यहां देखो डी के बाद ई छोड़ा, फिर एफ छोड़ के जी नहीं आ रहा है, इवन एफ जी एच आई कुछ भी पढ़ लो बहुत आगे आता है टी, यहां पे कुछ ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है। देखो सी के बाद डी ई एफ जी एच कितना छोड़ना पड़ रहा, सब में प्रॉपर्टी अलग अलग लग रही है, तो हमें सोचना है और क्या हो सकता है बेटा। तो याद करो मैंने आपको प्लेस वैल्यू पढ़ाई है ना, डे 4 में चौथे दिन रीजनिंग की जो चौथी क्लास है उसमें, तो यहां पे बेटा प्लेस वैल्यू काम आएगी। देखो सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, डी की क्या होती है 4, और एल की क्या होती है 12। अब समझना इसमें हो क्या रहा है, सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, एच की होती है 8 और एक्स की होती है 24। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, जब तुम इसका और इसका इंटू करोगे तो कितना आएगा 12। पहले दो लेटर का जो भी प्लेस वैल्यू उनका आपस में इंटू करोगे ना तो इसकी वैल्यू के बराबर आएगा, 3 4 12, 3 8 24। तो यही चीज फॉलो होनी चाहिए सब में, जिसमें नहीं होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। डी 4 होता है, ई 5 और टी 20 होता है, 4 5 20 यहां पे भी हो रहा है, तो श्योर शॉर्ट है कि आंसर यही होगा, लेकिन वी विल हैव टू चेक। ए की 1 होती है, बी की 2 और डी की 4। अब 1 2 जा तो 2 होता है, 4 नहीं होता ना, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। आई होप समझ गए होंगे बच्चे। इसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा ये मिटा देता हूं ये वाला क्वेश्चन, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। ओके तो यहां पे देखो ए के बाद डी एच एल एच के ओ आर, देखते हैं क्या है। देखो अभी मैंने आपको 3 लेटर्स के बताए, 2 लेटर्स के बताए, यहां 4 4 लेटर्स के भी कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं, उनकी भी प्रैक्टिस जरूरी है। देखो ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, मतलब कितना छोड़ा 2 छोड़ा, फिर डी के बाद ई आता है, एफ आता है, जी आता है, फिर एच आता है, कितना छोड़ा 3 छोड़ा, फिर एच के बाद आई आता है, जे आता है, के आता है, आई मीन एच के बाद आई जे के फिर एल, 3 छोड़ रहा है फिर से, ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है, एबीसीडी तो फ्रीक्वेंट है बेटा, जल्दी हो जाएगी। देखो डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, मतलब 2 छोड़ा, जेड के बाद, अब ये मत सोचना कि जेड के बाद एबीसीडी नहीं होती है, जेड के बाद वापस ए से आ जाओ, जेड के बाद ए बी सी 3 छोड़ा, डी के बाद ई एफ फिर जी 2 छोड़ा। अब देखो यहां 2 3 3, यहां 2 3 2, अब इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा है ना, लेकिन आगे चेक करना पड़ेगा। एच के बाद आई जे फिर के 2 छोड़ा, के बाद एल एम एन फिर ओ, ठीक है, ओ के बाद पी क्यू 2 छोड़ रहा है, आर आ रहा है, मतलब ये है कि यहां 2 3 2, यहां 2 3 2, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा 2 3 2 ही होगा, अलग ये होगा, लेकिन चेक करते हैं। एस के बाद टी यू फिर वी 2 छोड़ा, फिर V के बाद W X Y फिर Z 3 छोड़ा, फिर Z के बाद A और B 2 छोड़ा। देखो 2 3 2 2 3 2 2 3 2, यहां 2 3 3, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ये A D H L, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको भी रेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें कितने वॉवेल हैं, 1 वॉवेल है, इसमें आप देखेंगे कितने वॉवेल हैं, 2 वॉवेल दिखेंगे, इसमें 1 वॉवेल और इसमें भी
एक वॉवल, आप समझ सकते हैं इसमें एक वॉवल है, इसमें भी एक वॉवल आ रहा है, इसमें भी एक वॉवल, इसमें दो वॉवल है ना, आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं, जब तक सॉल्व करिए इसे। देखिए देखिए, एच के बाद ठीक आता है आई, है ना, और आर के ठीक बाद आता है एस, ओ के बाद देखिए ठीक आता है पी, और के बाद क्या आता है एल, फॉलो हो रहा है, एम के बाद एन, यू के बाद वी, ये भी फॉलो हो रहा है, लेकिन देखिए पी के बाद बेटा एक्स नहीं आता, है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का है। आप इसमें देखेंगे, आपको इसमें 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 आई मीन सॉरी इन तीनों में आपको एक भी वॉवल नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें क्या है, दो वॉवल्स है, इसलिए जो ऑड है वो क्या है, ये है एम आई ई, इन तीनों में वॉवल नहीं है एक भी, और इसमें दो वॉवल्स है। ठीक है, इसको देखिए, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए पर्याप्त है, आप कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने से करिएगा, फिर कुछ टाइम बाद हम प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, देखिए आप देख रहे होंगे ये, इसमें एक भी छोटा लेटर नहीं है, देखिए इसमें एक छोटा एक्स है फिर बड़ा एक्स है, समझिए छोटा आई बड़ा आई, छोटा बी बड़ा बी, तो यहां पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ये। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू।